चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सर्वे को बताएं, अभी चुनावी माहौल चल रहा है तो यहाँ इतने सारे यंग वोटर्स को देख के हमने भी एक नेता को बुलाया है, तो जस्ट एंजॉय द कंपनी। मित्रों, मेरा बारह भाइयों बहनों नमस्कार। मैंने देखा महिंद्रा में पूरी सफाई की जिम्मेदारी अगर किसी ने ली है तो बिनाकल ने ली है भाई बहनों, और इस बिनाकल में जिम्मेदारी कौन लेता है? सीमा जी। भाइयों बहनों, सीमा जी किसी को कचरा फेंकने नहीं देती। देती है क्या? अरे नहीं देती ना। मित्रों, ये तो सफाई की बात हो गई, अब तरक्की की बात करते हैं। मित्रों, बिना कल तरक्की कर रहा है? नहीं कर रहा है। सर ने बोला था? नहीं बोला था। 60 से 100 हो रहा है। हो रहा है, होना भी चाहिए। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं मैं, क्या आपका अप्रेजल हुआ? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? पटवारी जी, होना चाहिए ना। मित्रों, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। चुनाव आने वाले हैं, वोट आप किसी को भी दें लेकिन वोट जरूर दें, और अप्रेजल कुछ दिन बाद हो जाना चाहिए। अब की बार जिस किसी की भी सरकार, लेकिन वोट देना हर जनता का अधिकार। जनता से याद आया, हमारे बीच में आने वाले कुछ ऐसे मेहमान जिनसे सारी की सारी जनता है परेशान। देखो बेटे, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, ये बंदा हमेशा पहले आके मेरी बुराइयां करता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं तुम्हें। मेरा स्टेज, मेरी कंपनी, मेरा शो, आप कौन होते हो ज्ञान देने वाले? बेटे देखो, मैं ज्ञान नहीं देता, मैं कुछ और ही देता हूँ, लेकिन एक बात बताता हूँ। अरे इसको गलत नहीं लेते। देखो बेटे, बात ऐसी है, मैं ज्ञान नहीं देता, मैं बरवाली साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं एक आविष्कार करता हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, आविष्कार करता हूँ। ऐसी चीज बनाई है मैंने जिसको आप थोड़ा सा खा लें उसके बाद आपको भूख ही नहीं लगती। क्या बनाया सर? मैंने 2 आलू के पराठे बनाए हैं, उनको खाने के बाद भूख ही नहीं लगी मेरे को। अरे यार बेटे, ये पागल आदमी, आपको बुलाया किसने? देखो, मेरे को जिसने भी बुलाया उसने मेरे को पैसे दे दिए। आप अपना काम कीजिए। आपको बोला था मत करा करो, मत करा करो। हाँ, ये मत करो। जब भी मैं परफॉर्म करने आता हूँ ये कहते हैं नहीं करना नहीं करना, ऐसे मैंने कर देता हूँ। बाहर है ना, एक बार मेरे को पटवारी जी, एक बंदे ने बोला यहाँ पे बाथरूम नहीं करना, मैंने कर दिया। और उसके बाद वो बंदा मेरे पीछे ईंट लेके भागा और मैं करते करते भागा। आपको आपकी मारे क्या खा के पैदा किया? बेटे खाया था वो, पता नहीं उन्होंने 2 पैक मारे थे बस, उसके बाद जो है मैं पैदा हुआ सीधा। टाइम हो रहा है? हाँ सही बात है, ये जो टाइम है संध्या का, मतलब भगवान के नहीं अपने पैक का टाइम हो जाता है इस समय। तो मैं पूछा जरम पटवारी जी, 30 ml लेंगे या 60 ml? नहीं नहीं, मैं जो है छत पे वेट कर रहा हूँ, मेरे को क्या है मध्यम लाइट के मजा है, कुछ अलग ही होता है। तो आप आ रहे हैं छत पे? चलो। अरे सर, इसकी बातों में मत आना, एक बार मैं गया था, इसके पैक भी मैंने बनाए और इसको घर तक छोड़ के भी मैं आया, और इसने मेरे पैक भी इसी ने पिए। एक बार हुआ था, इनके भाई हैं वो भी इनके साथ कभी कभी ज्वाइन हो जाते हैं, तो उनका हाल तो और बेहाल है, मतलब वो वहीं पैक लगाएंगे, वहीं उल्टी करेंगे और वहीं सो जाएंगे, उससे ज़्यादा। What a busy day it was. साउंड सिस्टम की हवा निकल गई लेकिन हवा नहीं निकली। So basically myself Dr. मशहूर गुलाटी 1 BHK. 1 BHK? मतलब 1 मतलब मैं, BHK मतलब बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत? हाँ जी। वो सब ठीक है, अभी गंदी चीजें के घूम का रहे हो? Basically, this is not a गंदी चीज, ये जो है मेरा मेडिकल किट है, इससे मैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी मेडिकल किट की नहीं आपकी शक्ल की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने ना थोड़ी बेइज्जती की मेरी, लेकिन मेरे का ना गुस्सा आ जाना ऐसी बेइज्जती पे। चलो कोई बात नहीं, मैं भूल के आगे बढ़ता हूँ। What a nice day, Mr. Patwari sir is here.
दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी PAJM. PAJM? उनको क्या पता होगा? अरे बता रहा हूँ ना भाई, PAJM का मतलब होता है पिनाकल ऑफ जापान में. हाँ, डॉक्टर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ. बेसिकली मैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टेस्ट करता हूँ, तो उनपे ऑफर चलते रहते हैं. जैसे आपने जोमेटो पे 50% ऑफ देखा, वैसे मेरा भी चलता रहता है. इस हिसाब से अभी भी कोई ऑफर चल रहा है? हाँ, समर विंटर सब चलता है. तो हाँ, क्या ऑफर चल रहा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा. बेसिकली हाँ जी, जैसे ऑफर ये है कि जैसे बाय चांस आपको कोई तकलीफ है, तो मेरा बंदा आपके पास हमेशा रहेगा 24 घंटे. फॉर एग्जांपल, जैसे बाय चांस अशोक जी को छींक आ रही है, आप उसे छींक में हाथ छू कर, ओके ओके, यहाँ आप देखिए मेरा बंदा खड़ा है 24 घंटे साथ मेरे. एक बार और छींकिए, इस बारे तो मैंने सोचा ही नहीं. हाँ, बेसिकली अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं COE टीम को बोल के एक लाल लंगोट लगवा सकता हूँ वहाँ पे. लाल लंगोट से क्या हुआ यार? कैसा आदमी लाल लंगोट नहीं पता? लाल लंगोट से तो ट्रेन रुक जाती है, दस तो टुस ऐसे ही रुक जानी है. यार डॉक्टर साहब, आप यहाँ कर क्या रहे हो मेरे को ये बताओ. नहीं, मैं कर रहा हूँ ऐसे कुछ खास काम नहीं कर रहा हूँ. मैंने देखा चलो थोड़ा एंटरटेन कर लें. वैसे मेरे के शाम को मेरा टाइम हो गया था, मेरे भैया बोले मेरे को दारू लेके आओ, तो मैं क्या बस जा ही रहा था, ठेके पे जा ही रहा था. अपने जायका के नीचे मस्त ठेका है, पता है सबको? हाँ, नहीं पता सबको. तो क्या है, मैं ठेके पे जा रहा था, जैसे मेरे को पता चला मिस्टर एंड मिसेस पटवारी यहाँ पे आ रहे हैं, मैं एकदम यू टर्न ले लिया मैंने. यू टर्न? हाँ जी. आपके पास तो कोई गाड़ी नहीं है? अरे तो भाई, पैदल आदमी सीधा चलते चलते यू टर्न तो ले सकता है ना. ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए हो तो कुछ काम भी कर लो. हाँ, ना टेस्ट वेस्ट अच्छा करते हो तो टेस्ट करवाया जाए. करवाया जाएगा इसका, पटवारी सर का टेस्ट करवाया जाए. हाँ जी, वैसे टेस्ट से मुझे याद है, पिछली बार मैंने टोडी साहब का टेस्ट किया था शुगर का, उन्होंने मेरे 150 रुपए दिए नहीं अभी तक. तो इस बार मैं आपके 150 और उनके 150 करके 300 रुपए मेरे सीधे अकाउंट में 500 रुपए को बोलते हैं. सो आपका मैं टेस्ट करूंगा BP टेस्ट. काफी परेशान रहते हैं, थोड़ा सा पता मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आपका BP टेस्ट होना बनता है. आपका हाथ दीजिए. हाँ जी, आपका नाम क्या है? विमान. पूरा नाम? विमान पटवारी. नहीं नहीं, ये तो सबको पता है. आपके इनिशियल्स क्या है? बीपी. वाह, ये हो गया इनका बीपी टेस्ट. मतलब आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है. आप ना थोड़ा ध्यान रखे करें, इनका तो नॉर्मल ही रहेगा. सो अब किसका टेस्ट किया जाए? न्यू मेंबर इन आवर फैमिली. सो बेसिकली मैं बलराज जी का टेस्ट करना चाहूंगा, इनका मैं सीटी स्कैन करना चाहूंगा. मुझे में ताव है, थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा है. ये तो सीटी हुई स्कैन का. एक बार आप खड़े होइए, स्कैन करना है. अब इतने लंबे आदमी का क्या मैं A0 पे भी स्कैन करवा पाऊंगा? आदमी दिमाग है या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. छोटे सीटी होगा आपका, स्कैन आपको बाद में करवाया जाएगा. तो 150 150. और कोई टेस्ट अगर रह गया हो जो देख लीजिए एक बार. एक और टेस्ट है, मेरे दिमाग में नई बीमारी आई जिसे शायद जंडस कहते हैं. जंडस नहीं, जॉइंडस बोलते हैं मेरे घर. मेरे घर पे पीलिया बोलते हैं. मैंने सोचा थोड़ी इंग्लिश ट्राई कर लूँ, लेकिन होती नहीं अपने से. तो ठीक है, पीला लगा रखा अपने को. हाँ जी, तो मैं आपका जो है पीलिया टेस्ट करना चाहूँगा. उसके लिए मुझे एक बॉटल की जरूरत होगी. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. कुछ काम तो अच्छे करते हो आप. तो एक बार इस मैं जो भी एक्टिविटी में करना चाहता हूँ इसको खत्म कीजिए. एक बार ये इनने पी लिया.
तो ये हो गया इनका वजह पीले टेस्ट, ठीक है। आप एकदम पीले मुक्त है। नहीं, पीले पीले ऐसे कुछ और भी याद आ रहा है। अरे रे, महीने भर में तो हाथ पीले होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज गौतम झा एंड मनन, वी आर एंडिंग हियर। थैंक यू वेरी मच।